बढ़ते कोरोना, महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर अन्याय के खिलाफ जरीपटका चौक पर युवती कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा गया है। महामारी और आर्थिक संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए युवती कांग्रेस ने हाथों में चूल्हा चौका और घर का सामान लेकर प्रदर्शन किया। युवतियों का कहना था कि प्रधानमंत्री ने जनता के साथ जो भी वादे किए थे वे झूठे निकले हैं। महाराष्ट्र प्रदेश युवती कांग्रेस महासचिव व नगर सेवक नेहा निकोसे ने कहा कि प्रधानमंत्री न केवल झूठ बोल रहे और देश के महिलाओं के साथ अच्छे दिन का वादा कर सभी को धोखा दिया है। युवती कांग्रेस द्वारा कहा गया कि करुणा भगवान की मर्जी नहीं, मोदी की मनमर्जी है। हाँ, कार्यक्रम में आमची सगड़े युवती महिला उपस्थित है। इनकी मागनी है कि जी नोटबंदी, अब GST, अजून कोरोना मुळे जे 30 करोड़ युवकांचा रोजगार गेला, याचे जिम्मेदार आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहे। आधी अबधी पूरा हक हा नारा घेऊन कि तुम्ही युवकांना काय देताय, ते युवतींना पण त्यांचा इक्वल राइट्स आहे, त्याच्यासाठी हे कार्यक्रम मने उपस्थित आहे। युवती आज रोजगार दोचा नारे निषर्जनचा कार्यक्रम द्वारा नरेंद्र मोदीला इथे बोलत आहे। धन्यवाद। मेरा नाम रूबी पठान है, मैं युवा कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो आंदोलन है ये बेरोजगारी के मुद्दे पर आया है कि जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक नारा लगाया था, मैं भी चौकीदार हूँ, वैसे ही आज हम लोग ने, सारे लोगों ने आंदोलन इस मुद्दे पे किया है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। जो सरकारी जो नौकरियाँ थी वो सारी जा चुकी हैं और अभी जो एक युवाओं को जो चाहिए वो कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने ये आंदोलन के लिए हम सम्मिलित हुए। संघर्ष में मैं, यानी महिलाओं ने जो अभी हमने आंदोलन निकाले हैं उसके ऊपर मैं कहना चाहूँगी, जैसे हमारी प्रियंका गांधी जी है, जो हम उनके, वो जो है हमारे महिलाओं के लिए सामने आकर हमारे लिए अपना जोश बल जो दिखा रहे हैं, सामने आकर हमारे लिए आगे बढ़े हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी पूरी महिलाएं चाहती है कि प्रियंका गांधी के साथ निकलकर बाहर जो आज हो रहा है अभी अत्याचार, उसके ऊपर हम आंदोलन आज जो छिड़ चुका है वो करना चाहते हैं। अध्यक्ष ज्योति खोबरागड़े ने कहा कि आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध, किसी भी महिलाओं को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ आगे आना चाहिए। झूठी सरकार, महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के खिलाफ हक में लड़ाई लड़ना चाहिए। देश में कोरोना भगवान की उपस्थिति होकर सभी का हौसला मर्जी से नहीं, प्रधानमंत्री की मनमर्जी से फैला है। सही समय पर समर्थन दिया, इस दौरान लॉकडाउन किया जाता तो आज कोरोना इतना विकराल रूप नहीं ले पाता।